हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विशाल डोम में बैठकर लोग सुनेंगे सीएम का भाषण। सिरोही के अरविंद पवेलियन पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की आम सभा को लेकर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। आम सभा में बैठने के लिए डोम लगाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की राजस्थान गौरव यात्रा 30 अगस्त को सिरोही आएगी। सिरोही में वे अरविंद पवेलियन पर दोपहर 1 बजे आम सभा को संबोधित करेंगी। आम सभा में करीब 25,000 लोगों की भीड़ जुटने की संभावनाओं के मद्देनजर पवेलियन परिसर में विशाल डोम लगाया जा रहा है। डोम लगाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। उधर पूरे पवेलियन परिसर की सफाई करवाने के साथ वहां से कुछ ही कदमों के फासले पर स्थित सर्किट हाउस का भी रंग रोगन करवाकर उसे आकर्षक ढंग से सजाया गया है, ताकि मुख्यमंत्री वहां कुछ देर रुकने पर सुकून का एहसास कर सकें। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने अरविंद पवेलियन परिसर में आयोजित आम सभा स्थल का निरीक्षण किया। वहीं गोपालन राज्य मंत्री, जिला प्रमुख, पूर्व जिलाध्यक्ष नारायण पुरोहित सहित दर्जनों भाजपा पदाधिकारी उपस्थित थे। कल सूर्य पधार रही है, उसको लेके सारी तैयारियां बड़े जोरों से चल रही है और लोगों के अंदर बड़ा उत्साह का माहौल है। कल यहाँ हजारों की संख्या में लोग यहाँ जुटेंगे और वसुंधरा जी को आशीर्वाद देंगे और वसुंधरा जी के नेतृत्व में पुनः सरकार बने, ऐसी कामना के साथ में यहाँ बड़े उमंग के साथ में लोगों की बड़ी मेला हजूम उपड़ेगा और उस सब के लिए हम कार्यकर्ता। सिरोही से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।